أعوذ بالله من الشيطان اللقين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو صدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. تمام تعریفیں رب علی ابن ابی طالب کے لیے اور تمام حد گئے درود و سلام ذات علی ابن ابی طالب، استاد علی ابن ابی طالب اور اولاد علی ابن ابی طالب کے لیے. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بجرح امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وجعلنا و ایاکم انشاء اللہ من الطالبین بسعره مع ابنه الامام المهدی من آل محمد علیہ السلام. عرصہ اور تعزیت کی شبیں ہیں، ماتم اور سوک کی کیفیت ہے، اس سے کیا اس کا مزاج پوچھتے ہیں جس کا باپ زخمی حالت میں گھر میں ہو. بھلا مومن کو کیسے چین پڑے جبکہ مومنوں کا امیر بے چین ہے. کس طرح سے کوئی کسی کے لیے دعائے خیر کرے جبکہ شہزادیوں کے لب پر بین ہے. قیامت کا سلسلہ سلسلہ مصائب ہے. کائنات کا سب سے مظلوم ترین شخص میرا مولا علی ابن ابی طالب. نہ اتنا ظلم میرے مولا سے پہلے کسی پر ہوا تھا اور نہ اتنا ظلم مولا کے بعد کسی اور پر ہو سکے گا. شاید اسی لیے امام معصوم نے سلام پیش کرتے ہوئے اپنے جد کو یہ جملہ تعلیم فرمایا، میرا سلام ہو السلام علیکا آپ پر یا اول مظلوم. اے سب سے پہلے ظلم برداشت کرنے والے
तुझ पर मेरा सलाम हो। अजीजानी मोहतरम, जुल्म मौला के हवाले से, मौला के मसाइब के उनवान से बस एक जुमला कहकर इस तमहीद को मुकम्मल करूं। आपकी आंखों में आंसू होना चाहिए और वाकई जितना रोएं, जितना फरियाद करें, अजमत रजीयतुक आपका सदमा इतना बड़ा है कि आसमान और जमीन से बड़ा आपका सदमा है। काश कि 19वीं माह रमजान की वो तारीख नमोदार ना होती और अब्बास जैसा शहजादा यतीम ना होता। मौला के मसाइब की तारीख क्या है, लोग समझते शायद एक जरबत, जरबत तो फुस्तो और रब्बिल काबा है। मौला के मसाइब की तारीख ये नहीं है कि फुस्तो और रब्बिल काबा है। मौला के मसाइब की तारीख शुरू होती है मक्के से, लोग रसूल को पत्थर मारते थे, ये छोटा आगे बढ़कर आता था और अपने आप को रसूल के आगे कर लिया करता था। अब जितना पत्थर लगता था अली को लगता था हाय हुसैन। आपने सुना है ना कि बाजार कूफा और बाजार शाम दोनों के मसाइब सख्त हैं, मगर बाजार शाम ज्यादा क्यों मौजूए बहस बना रिवायतों में कि बाजार कूफा में लोग जैसे भी थे मगर हाथों में पत्थर लेकर नहीं आए थे, बाजार शाम हाय शाम झोलियों में हाथों में पत्थर भरे हुए शहीदों के सरों का निशाना लेके मार रहे थे। तो या पत्थर अली के लाल ने शहादत के बाद खाए या हुसैन के बाबा ने मक्के में मोहम्मद की मोहब्बत में खाए। लोग समझते हैं कि मसाइब सिर्फ यही हैं, जरबत। शेबे अबी तालिब का मुहासरा और उससे पहले के वाकयात, सारे वाकयात एक एक करके बयान करूं तो मसाइब की वो दास्तान रकम हो जाए। ये मक्का है, ये मक्कातुल मुकर्रमा है, रसूल की मोहब्बत अभी बात कर रहे थे जाकिर अव्वल मरसिया पढ़ते हुए, मरसिया से पहले सलाम पेश करते हुए मनकबत मौला की शान बयान करते हुए कि तलवारों के साये में लेटना, ये नफ्से पैगंबर होना आसान तो नहीं था। तो तलवारों में लेटकर कोई मुतमईन सिवाय अली के न कल हो सकता था और न आज अली वालों के सिवा कोई और मुतमईन है। चारों तरफ से वहशत का राज है, दहशत का उरूज है, शिद्दत पसंदी आसमान पर जा पहुंची है, मगर नाम हुसैन लेने वाले कल भी मुतमईन थे, आज भी मुतमईन हैं कि तुम्हारे खंजर तो कम पड़ सकते हैं मगर गले मातमदारों के न कल कम पड़ते थे न आज कम पड़ सकेंगे। अजीजाने मोहतरम, मौला के मसाइब की एक झलक सिर्फ मक्कातुल मुकर्रमा और एक झलक मदीने मुनव्वरा। वाकई इससे बढ़कर और मुसीबत क्या होगी कि एक मरतबा मेरा मौला मदीने मुनव्वरा 25 साल का जमाना, 25 साल का दौरानिया, वहां की बात करें मक्कातुल मुकर्रमा 23 साल का दौरानिया, कुल मुद्दत हयात मुबारक 63 बरस, 40 बरस हिजरत के बाद और 23 बरस हिजरत से पहले, और 23 बरस के बाद मदीने में 25 बरस वो गुजारे जिसमें एक मरतबा ऐसा भी हुआ कि इमाम घर में तशरीफ लाए और बिनत रसूल को रंजीदा खातिर देखा, आदाब इस्लामी के अतबार से सलाम और जवाब सलाम के बाद सवाल फरमाया, बिनत रसूल खैरियत तो है अब रंजीदा दिखाई देती हैं, इतनी मोहब्बत थी शहजादी कौनैन को मौला से, इतनी मोहब्बत थी कि अपना मोहसिन शहीद करवा दिया अली की मोहब्बत में। सर उठा के फरमाती कि अबल हसन, बड़ी मोहब्बत से शहजादी
इमाम का नाम नहीं लेती थी, ये अमीरुल मोमिनीन कहती थी या हसन के बाबा कहती थी, अबल हसन, या कभी कभी इब्ने अम्मी, ये मेरे चचा के बेटे। मैंने सुना है कि अब लोग ऐसे आपसे बदल चुके कि कोई आपको सलाम के काबिल भी नहीं समझता। कितना सख्त जुमला है, शायद तलवार खाना आसान है, तलवार खाना आसान है, ये जुमला उससे ज्यादा सख्त है। शहादत तो मोमिन की मीरास है, शहादत तो मोमिन की पहचान है, तो फिर अमीरुल मोमिनीन के लिए क्या शान होगी। मगर ये जुमला कि मेरे चाचा के बेटे, मैंने सुना है कि लोग अब ऐसे बदल गए या लोगों की निगाहें ऐसी बदल ली कि कोई आपको सलाम के काबिल भी नहीं समझता। इमाम ने जुमला सुना, कितना गम था मेरे मौला के सीने, सर झुका के फरमाया, बिन तो रसूल अगर बात यहीं तक होती तो फिर भी नादले पर बाजते। अब शहजादी घबरा गई कि अबुल हसन के इससे भी बड़ी बात हो गई। फरमाया, हां बिन तो रसूल, इससे बढ़कर जुल्म यह है कि मैं जिसको सलाम कर लेता हूं। रोने वालों, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गमे अली और औलादे अली। जाओ, आज लाखों ने करोड़ों अफराद हैं जो रोजे अली इब्ने अबी तालिब पर सलाम पेश कर रहे हैं, और करोड़ों अफराद के सलाम पेश करने से मौला की अजमत में, मौला की फजीलत में जर्रे जर्राते अर्श के बराबर कोई इजाफा नहीं है। जो सलाम पेश करता है, मासूम फरमाते हैं कि खुदा ने सबसे ज्यादा जो मखलूक खल्क फरमाई है वो फरिश्ते हैं, और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि 70,000 फरिश्ते नाजिल होते हैं आसमान से काबे का तवाफ करके, रोजे रसूल पे सलाम करके फिर कदम अली इब्ने अबी तालिब पे चले जाते। कोई क्या सलाम करेगा मौला को, अल्लाहु अकबर। लेकिन मदीना 25 साल गुजारे हैं, इंसान परदेश में रहे, बात समझ में आती है, अजनबियत है, कोई जानता नहीं है, सलाम कौन करे, कोई पहचानता नहीं है, पड़ोस वाले, साथ रहने वाले कोई भी नहीं है जो इंसान की मार्फत रखते हो। 25 साल इमाम ने मदीने में ऐसे गुजारे कि शायद कब्र में रात का गुजारना आसान है। बहुत सा जुमला गहरा, कब्र में रात का गुजारना आसान है, वहशत तन्हाई, वहशत तन्हाई, 25 साल तन्हाई के हैं मेरे मौला के, और ऐसी तन्हाई है कि इमाम फरमाते, बिनता रसूल, मैं जिसको सलाम कर लेता वो पलट के मुझको सलाम का जवाब भी नहीं देता। पलट के मुझको सलाम का जवाब भी नहीं देता। अजीजाने महतरम, जरा से इर्तबात के साथ अब चंद जुमले मौला की शान के हवाले से, गर्चे फजाइल की रात नहीं और किसमें मजाल है कि फजाइल अमीरुल मोमिनीन बयान कर सके, अलबत्ता अपनी निजात के लिए, अपने वालिदैन की मगफरत के लिए, तमाम हाजरीन के सवाब में बे इंतहा इजाफे के लिए कुछ जरा सा तस्किरा मेरे मौला का बतवस्सुल दुरूद आले मोहम्मद करता हूं। और उससे पहले कि मैं कुरान नातिक को बयान करूं, कुरान सामित के उनवान से सिर्फ चंद जुमले शबाए कब्र के बारे में, क्योंकि सामित पहले, नातिक उसके बाद में, पहले किताब फिर साहिब किताब समझाने के लिए। तो किताब का मसला शब कब्र और शब कब्र की रिवायत, इसमें कोई शक नहीं कि इंसान को जितना मौका मयसर हो, मौला से पूछा गया, मौला एक रात मुअय्यन कर दी जाती तो अच्छा था कि हम सब के सब उस एक रात में, एक रात में, पहली बात तो याद रहे, एक रात न कभी थी शब कद्र की, न कभी मुअय्यन होगी सिवाय इमाम जमान की आमद के, सिवाय एक जमान, इमाम की आमद से पहले पहले न शब कद्र एक रात में मुअय्यन थी न मुअय्यन हो सकेगी। मासूम ने शाखवा, कितना आसान है ये चंद रातों में जागना, कहीं दो रातें
कहीं तीन रातें हैं। ये चंद रातों में जागना कितना आसान है, और खुदा ने खुद शब कद्र को छुपा कर रखा इन रातों के दरमियान में, ताकि तुम तलाश करो तो सवाब तुम्हारा बढ़ जाए। अगर वो एक रात को मुअय्यन कर देता कि यही रात शब कद्र की है, तो बाकी रातों में कौन जागता भला। और रहमत परवरदिगार तो चाहती है कि लोग जाग जाग कर तलाश करते रहें, जैसे कि लोग ढूंढते हैं किसी अपने महबूब को, गली गली, महल्ला महल्ला, शहर शहर, ऐसे तलाश करो शब कद्र को, कभी पहले में, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में। तीन अशरात के हवाले से हाँ तलाश करने वाले माह रमजान के चांद से तलाश शुरू करते हैं शब कद्र की। हमें और आपको एहसास हो के ना हो, शब कद्र की तलाश माह रमजान की पहली शब से। कभी सूरह मुबारक इन्ना अंजलना हजार मरतबा पढ़कर, कभी सूरह दुखान 100 मरतबा पढ़कर, और कभी दुआए जोशन कबीर की तिलावत से माह रमजान का आगाज करके हैं तलाश करने वाले। हमें तो फिर भी आसानियां हैं कि चंद रातों में जागने का मौका मिलता है। और अब मैं एक जुमला कहकर रिवायत पेश करूं कि मौला की खिदमत में फर्ज कीजिए कि अगर आपके किसी अजीज के साथ कोई सानिया पेश आए, वो जख्मी हो जाए, और आप बहुत करीब हो, बहुत अजीज हो, आप उससे मिलने जाएं, तो तरीक़े मिजाज कुर्सी क्या है, तरीक़े आयादत क्या है। आप किसी के घर जाते हैं किसी मरीज की, किसी जख्मी की खबर लेने के लिए, तो साथ में कुछ तोहफे लेकर जाते हैं कि कौन से फल पसंद करते हैं, कौन सी शय इनको महबूब होती है, वो लेकर साथ जाते हैं, मिजाज कुर्सी करते हैं और ये तोहफा देकर आते हैं। आज मेरा मौला अपने घर में जख्मी है, आप मौला के घर में आए हो, कुछ तोहफे साथ लाए हो देने के लिए। खाली हाथ आना, खाली हाथ आना जेब नहीं देता। तो मौला हमारे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं जो आपकी खिदमत में पेश कर सके सिवाय इन आमाल शब कद्र के। तो सारे आमाल हदिया करो, सारे आमाल शब कद्र हदिया करो मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह में। इससे बेहतर ना अपने लिए आमाल करो, ना अपने वालदेन के लिए करो, ना अपने आयजा के लिए करो, ना अपने मरूमीन के लिए करो, सबको खुद ब खुद फायदा पहुंच जाएगा। तुम चाहते हो अगर हर पत्ते को पानी मिले, चाहते हो कि हर शाख सैराब हो जाए, तो जड़ में पानी डाल दो। तो अगर अमीर को भेज दोगे तो जितने तुम्हारे मोमिन होंगे, जितने मरहूम होंगे, जितने जिंदा होंगे, सबको खुद ब खुद बढ़ जाएगा। ठीक, तो सवाब इससे बेहतर, इससे बेहतर एक बड़ा अच्छा जुमला, रिवायत नहीं है, कौले मासूम नहीं है, और हर अच्छी बात कौले मासूम नहीं होती, मासूम की हर बात अच्छी होती है। तो अब ये बात है गैर मासूम की, जुमला है उनका अपना, एक बहुत अंदाज के साथ कहते थे, बल्कि कहते हैं अभी हयात है, कहने लगे हम अपने नेकियों को अपने नाम आमाल में रखें तो खतरा लगा रहता है, कहीं रया की दीमक ना पहुंच जाए, कहीं सुनाने दिखाने की बातें जहन में ना आ जाएं। तो हम तो ये करते हैं भैया आमाल करो और मौला के अकाउंट में जमा करवा दो। हमारे अकाउंट तक शैतान पहुंच सकता है, मौला के अकाउंट तक नहीं पहुंच सकता। जब कोई नेकी अपनी बचानी हो तो नेकी तुम करो और डाल दो अकाउंट ऑफ मौला अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वहां मिल जाएगी। सबसे महफूज, सबसे बेहतरीन सेफ लॉकर मौला ही को तो खजाना है। तो खैर, ये तो बात थी तमहीद के शब कद्र के उन्वान पर। एक रिवायत और रिवायत शब कद्र के आमाल की मुनासिबत से, हजरत मूसा इब्ने इमरान अलैहिस्सलाम खुदा की बारगाह में सवाल कर रहे हैं, मुनाजात कर रहे हैं, सवाल नहीं मुनाजात कर रहे हैं। और मुनाजात कहते हैं सरगोशी को, दुआ कहते हैं मुंह से मांगने को, आवाज बुलंद हो जाने को, पुकारने को। मुनाजात कहते हैं सरगोशी को कि बस वो सुने और कोई ना सुने, मगर मोमिन की मुनाजात भी ऐसी होती कि दिल से निकलती है तो आवाज कहां तक पहुंचती है।
तो सवाल मुनाजात की शक्ल में यह था, इलाही फरमा रहे थे काला उरीदो, परवरदिगार में चाहता हूं, क्या चाहता हूं, कुर्बक, तेरी कुर्बत चाहता हूं। काल खुदा ने जवाब दिया कुर्बती लेमन इस्तैकज़ा लैलतल क़द्र, मेरी कुर्बत तो उसके लिए है जो शब कद्र में रात जाग कर गुजारे। मूसा खुदा से खुदा की कुर्बत मांग रहे थे और खुदा अपनी कुर्बत को शब कद्र रात जाग कर गुजारने वालों के लिए मुनहसर कर रहा था। फिर फरमाया काल जनाब मूसा अलैहिस्सलाम इलाही उरीदो, परवरदिगार में चाहता हूं रहमतक, आपकी रहमत को। काल रहमती लेमन यरहमुल मसाकीन लैलतल कद्र, मेरी रहमत तो उनके लिए है जो शब कद्र में मिस्कीनों पर रहम किया करते हैं। अल्लाहु अकबर, तो रहमत भी शब कद्र, कुर्बत भी शब कद्र। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में तीसरा अपना मसला पेश किया मुनाजात के उनवान में, इलाही उरीदो, परवरदिगार में चाहता हूं, क्या चाहते हैं, अल जवाज अल सिरात, पुले सिरात पर से गुजरने का जवाज पासपोर्ट चाहता हूं। परवरदिगार ने जवाब दिया जालिका लिमन, ये तो उसके लिए है, मन तसद्दका बिसदकतिन लैलतल कद्र, के जो शब कद्र में सदका दे, जो शब कद्र में सदका दे उसे पुले सरात पर से गुजरने की तौफीक अता हो जाती है। शायद आप सोचेंगे कि शब कद्र तो बहुत सों को मिलती है ना, जागते सब हो, इसके नसीब जागते हैं वो अगर सो भी रहा हो तो कामयाब होता है, और जिसका नसीब सो रहा हो अगर वो जागता भी हो तो बेकार रहता है। तो अब रात जागना, बहुत गौर कीजिएगा, परवरदिगार आलम ने दुनिया में ही दिखा दिया। कभी कभी सोचता हूं परवरदिगार ने बड़ा लुत्फ करम किया तो सूरज पलटा मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, वो दो मकामात, खास तौर से दो मकामात, एक रसूल खुदा की हीन हयात जाहिर में और एक जंग सिफीन के मौके पर। इत्तफाक से दोनों मरतबा माह रमजान नहीं था, वरना सूरज छुपने पर रोजा खोलने वाले क्या करते। अगर सूरज मौला के इशारे पर पलट आता तो उनके रोजे का क्या होता। यह तो खुदा ने बड़ा करम किया कि माह रमजान नहीं था जब सूरज वापस पलटा था। तो खैर किसको नसीब शब कद्र, अब बात वाजी हो गई, शब कद्र किसको नसीब का, उसके लिए खुदा का ऐलान। जब मूसा सवाल कर रहे हैं मालिक मैं चाहता हूं पुले सरात पर से गुजरने का कोई तरीका जवाब मिल जाए, फरमाया शब कद्र में जो सदका दे ये उसके लिए है। फिर आपने सवाल किया परवरदिगार में चाहता हूं ना उरीद, क्या चाहते हो, क्या अशजार जन्नत वस्मार, जन्नत के दरख्त और फल चाहता हूं। इशात फरमाया जालिक ये उसके लिए है, लेमन सब्बहा तस्बीहतन फी लैलतिल कद्र, जो एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहे शब कद्र में। ठीक, और क्या चाहते हैं, क्या परवरदिगार इलाही अना उरीद, मैं चाहता हूं अन नजात मिनन नार, कि मुझे आतिश जहन्नुम से निजात मिल जाए। मूसा नबी हैं, तैयब व ताहिर हैं, निजात दिलवाने वाले हैं, बताना चाहते हैं उम्मत को कि निजात मिलती कैसे है। जवाब मिला कल खुदा फरमाता है वजालिक, ये निजात तो उसके लिए, लेमा निस्तगफरा फी लैलतिल कद्र, वो शबे कद्र में अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, ये अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़े। आखिरी बात, फिर सवाल मूसा अलैहिस्सलाम मुनाजात के उनवान से, इलाही उरीद मैं चाहता हूं मालिक, क्या चाहते हैं, रिजाक तेरी मर्जी चाहता हूं। फरमाए जालिक ये तो उसके लिए है, रिजाई लेमन उसके लिए है,
कि जो सल्ला रकअतैन फी लैलतिल कद्र, जो सिर्फ दो रकत नमाज पढ़ ले शब कद्र में, तो दो रकत नमाज पढ़े मर्जी खुदा मिल जाए, हाँ अस्तगफार कहे तो आतिश जहन्नुम से बरी हो जाए, एक मरतबा तस्वीह पढ़े सुभान अल्लाह कहे तो उसके लिए जन्नत के दरख्त तो फल तैयार हो जाएं, और शबे कद्र में इंसान अगर एक मरतबा तस्बीह के अलावा एक दिरहम सदका दे तो पुले सरात पर से गुजरने का वसीका मिल जाए, और फिर अगर चाहता हो खुदा की कुर्बत, खुदा की रहमत, खुदा की रजा, इन इबादतों को कितना आसान कर दिया, जागते रहो, दो रकत नमाज पढ़ो, तस्बीह अंजाम दो, शब कद्र की सारी बरकतें साहिबाने विलायत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। आइए इस वजाहत के बाद मौला के फजाइल और मौला के फजाइल बयान करने के लिए आज सरनामे कलाम की आयत का तर्जुमा और एक हदीस और फिर इख्तिसार के साथ मौला की वसीयत के पांच जुमले, कल थे और पांच जुमले आज। मौला की शान क्या है, सूरह मुबारक अर्रअत आयत नंबर 43 आखिरी आयत सूरह रात की, वह यकूनुल लजीना कफरू लस्ता मुरसला, वो काफिर कहते हैं कि तू भेजा हुआ नहीं है, मुरसल नहीं है, तो जवाब क्या दे, कुल, तो हबीब कह दे कफा बिल्लाहे शहीदम बैनी व बैनकुम, हबीब कह दे, तू कह दे, क्या कह दे, काफी है मेरे और एक काफिरों तुम्हारे दरमियान शहीद गवाही के लिए एक जाते खुदा जिसने मुझे रसूल बनाकर भेजा, मुरसल वो मुरसल में, वो मुरसल में मुरसल, एक तो मुरसल गवाह है और मुरसल और मुरसल के बीच में कोई और गवाह भी है, वमन इंदहू इल्मुल किताब, और दूसरा गवाह वो है इसके पास पूरी किताब का इल्म मौजूद है, और एक किताब, अल्लाहु अकबर, इस पूरी किताब के इल्म की वजाहत कहां से करूं, कहां तक पहुंचूं, मुझे तो सूरह रात ने इतना घबरा दिया, रात कहते बिजली को, कि डर के मारे सूरह नमल पढ़ना शुरू कर दी, सूरह नमल में चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत नंबर 40, ऐसा वक्त था कि सबके सब दरबारी बैठे हुए थे और दरबारियों में हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम का यह ऐलान था, कौन है जो मलके सबा बिल्किस के तख्त को उठाकर ले आए, इससे पहले कि मलका आए उसका तख्त ले आए, काला इसरीतु मिनल जिन, तो जिनों में सबसे मोहतरम था, बुजुर्ग था, बड़ा था, तवाना था, खड़ा हो गया, आना आतीक, मैं अभी लेकर आता हूं, इससे पहले कि आप बर्खास्त करें अपनी बज़्म को मैं लेकर आता हूं। अल्लाह के नबी ने जिनों की बात सुनी, जवाब नहीं दिया, इंसान खड़ा हुआ, इंसान कितना कमजोर है और इतना हसीन है, आसिफ है, क्या उसकी सिफत बयान करूं, बरखिया का बेटा है, क्या उसके बाप को याद करूं, जनाबे सुलेमान का भांजा है, क्या रिश्तेदारियां बयान करूं, खड़ा होकर कहता है मैं लेकर आता हूं, कौन, नाम नहीं लिया कुरान ने, नाम नहीं लिया, काला, कहा उसने, अल्लजी इंदहू इल्म मिनल किताब, जिसके पास किताब के इल्म में से थोड़ा सा इल्म था, थोड़ा सा इल्म था, उसने कहा अनातीक, मैं लेकर आता हूं, कबला अयर तद्दा इलाई का तरफ, इससे पहले कि आप अपनी पलक झपके में लेकर आता हूं। मैं समझ नहीं पाया कि जनाब आसिफ बिन बरखिया तो उठकर गए भी नहीं थे, तख्त आ गया, वो आना आतीक में लेकर आता हूं, ना गए, अगर हजरत सलमान मोहम्मदी खैमे में बैठकर कहें या रसूलुल्लाह भाई जीत के मुबारकबाद कबूल कीजिए, तो लोग एतराज करें, गाये बगैर मुबारकबाद कैसे पेश कर रहे हैं, एतराज करने वालों अगर तुम कुरान पढ़ते तो आसिफ पर एतराज करते ना, कि गाये बगैर लेकर आ गए, कुछ तो चाहिए ना मेहनत, अल्लाहु अकबर, कहिए वो है जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म है, थोड़ा सा इल्म है, वो कहता मैं भी लेकर आता हूं,
अब किताब का थोड़ा सा इल्म हो तो मलके सबा बिल्कीस तख्त चश्मे जदन में हाजिर कर दें। अब पहचाने कोई, अगर सुलेमान का वजीर ऐसा तो सुलेमान के फख्र मोहम्मद का वजीर कैसा, कि इसका वजीर है वो उसका वजीर है। पहले उस नबी को देखो, उसके वजीर को पहचानो, फिर इस नबी को देखो, इसके वजीर को पहचानो। अल्लाह अकबर। इल्म मिनल किताब वहां इस्तेमाल हुआ और यहां वमन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास किताब का पूरा इल्म मौजूद है, ठीक, और पूरा इल्म, इल्म के फजाइल मौला के क्या बयान किए जाए। फरमाते हैं अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए, हाजा सुफतुल इल्म, ये इल्म का संदूक है। अपने सीने की तरफ मौला इशारा कर रहे, हाजा सुफतुल इल्म, ये इल्म का संदूक है। ये क्या है? का हाजा वो है, ये लुआब रसूलिल्लाह है, तो अल्लाह के रसूल का लुआब है। हाजा मा जक्कनी रसूलुल्लाह जक्कन जक्का, ये वो है जो अल्लाह के रसूल ने मुझे ऐसे चबा चबा कर खिलाया है जैसे परिंदा अपने बच्चे को दाना भराता है। और क्या हसीन अंदाज है, शेर मादर नहीं कहा, शेर की मिसाल नहीं दी, बल्कि मिसाल दी परिंदे के चबाए हुए लुकमे की। समझाना यह था कि शेर आता है खून की तब्दीलियों के बाद, इसमें तब्दीली हो जाए वो अली के लिए नहीं है। अली को तो खालिश चाहिए, जैसे अली के खुदा को खालिश चाहिए, ऐसे अल्लाह के रसूल ने अली को खालिश इल्म अता किया, कि जो अल्लाह ने अपने हबीब को अता किया। इब्ने अब्बास कहते हैं कि सारा इल्म अंबिया का, अव्वलीन का, आखरीन का, खुदा ने खत्मी मर्तबत को अता किया। खत्मी मर्तबत ने अली इब्ने अबी तालिब को अता किया, और अली इब्ने अबी तालिब पे जितने हजार बाप रसूल ने सिखाए, आप फरमाते हैं हर एक बाप से हजार बाप मुझ पर खुलते चले गए। रसूल पर हजार बाप सिखाए थे या 10 लाख बाब हो गए, 10 लाख अबवाब इल्म अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम आपके लिए आश्कार हो गए। तो अजीजान मोहतरम, मौला के इल्म के हवाले से तो जितने अल्फाज ला सकें लाइए, ढूंढ के लाइए, कहां से लाएंगे इल्म अली का जवाब। और इब्ने अब्बास से जब पूछा गया कि तुम्हारा इल्म अली के मुकाबले में कितना है, पता चला मिजाज था कि किसी को तो ला के सामने खड़ा करो अली के मुकाबले पर। तो जब कोई मर्द मैदान न मिला काफिरों में भी, तो फिर कोई इल्मी शख्सियत ढूंढना शुरू की गई, कोई तो सामने खड़ा हो जाए। हत्ता कि इस आयत के ज़िल में वमन इंदहु इल्मुल किताब क्या लिखा, उलमा लिखा इससे मुराद अब्दुल्ला इब्ने सलाम है, तो उन पर सलाम हो, वो सलाम के बेटे सही, मगर वो तो मदीने में इस्लाम लाए थे। ये सूरा तो मक्के में नाजिल हुआ है। अगर आपको कोई ढूंढना ही है आलिम, तो ढूंढ के लाओ मक्के से, आयत तो मक्के की है। अली इब्ने अबी तालिब के बुग्ज ने इंसान को वहां तक पहुंचा दिया कि जब इल्म का दरवाजा ऐसे खुद ब खुद बंद हो गया कि अब हलाल और हराम की तमीज भी खत्म हो गई, अब नए नए नाम से मसाइल ऐसे पेश किए जा रहे कि वाकयन मुसलमान आज शर्मिंदा क्या जवाब दे जिहादन निकाह के हवाले से। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, वाजीदान मोहतरम, बहुत आसान अल्फाज में इसको अगर बजुबान शेर कहकर जुमला मुकम्मल कर दूंगा, अच्छे बहुत सारी बातें थी, मगर वक्त को देखते हुए इंशाल्लाह जितने फजाइल मुमकिन हो सके बयान कीजिए। फजीलत का बयान करना इबादत, जुबान के गुना बख्शे जाएं, फजीलत का लिखना इबादत, आंखों के गुना बख्शे जाएं, फजीलत अली का सुनना इबादत, कानों के गुना बख्शे जाएं। क्या फजीलत इल्म है, शायर ने एक बहुत छोटी सी मिसाल मुकम्मल कर दिया। सिखा गई मुझे नुक्ता ये मेरी अकले सलीम, सिखा गई मुझे नुक्ता ये मेरी अकले सलीम, अली की तुम में जगह हो तो बस यही तालीम। जब तालीम को तोड़ा तो ते इधर गया, मीम उधर गया, बीच में अली ही रह गया।
जब तुम में अली की जगह हो जाए, अली की जगह हो जाए, वो एक ही जुमला काफी। किसी मोमिन ने मुझसे कहा था, बयान कर देता हूं कि आखिर आज तक फलस्तीन का मसला हल क्यों नहीं हुआ, कश्मीर आज तक रुका हुआ क्यों है। कहा जहां जहां नारे हैदर नहीं लगता वहां जिहाद कामयाब नहीं होता। अगर चाहते हो कोई जिहाद कामयाब हो जाए, कोई जिहाद कामयाब हो जाए, तो फिर याद करो उसको जो मर्दे मैदान था। यार अल्लाह अकबर। अजीजाने मोहतरम, अपनी बात को यहीं रोकते हुए, बाकी बातें कल के लिए, कि मौला से मोहब्बत साहिबाने ईमान की पहचान, और जितने फजाइल उतने ही मेरे मौला के मसाइब। और मसाइब के बयान से पहले खाली एक जुमला और, कि बहरहाल शब कद्र में एक दिरहम सदका, तो आपकी मुआविनत के साथ बहरहाल इमाम बारगाह की इंतजामिया जितने प्रोग्राम कर रही है, कुरान से दीनियात, दीनियात से दुआओं का सिलसिला, मस्जिद से अजा के इनेकाद, तमाम प्रोग्राम होते विलायत की बरकत से हैं, और मोमिन को सखावत की दावत दी जाती है। वरना खुदा किसी के पैसे का बिल्कुल मोहताज नहीं, काम तो होता है, अलबत्ता मुझे हिस्सा ना मिले वो अलग बात है। और चूंकि अपने आंखों में आंसुओं का समंदर रोके हुए आज आप मातम के लिए आए हैं, मौला के फजाई जिंदगी भर के लिए, और मसाइब आज वो शब है कि मेरे मौला उम्मे कुलसूम शहजादी के घर से रवाना हो रहे थे, और ऐसे रवाना हो रहे थे कि मुर्गाबियों ने आपके दामन को रोकना चाहा, तो ये समझा कर रुखसत हुए कि बेटी इनका ख्याल रखना, ये बेजुबान परिंदे हैं, अगर दाना पानी दे सको तो घर में रखना वरना आजाद कर देना, ऐसा ना हो कि ये भूखे और प्यासे रह जाएं। फिर जैसे ही इमाम ने बीबी उम्मे कुलसूम के हुजरे से बाहर निकलकर बैतुश शरफ के दरवाजे से बाहर निकलना चाहा, आपकी कमर का बंधा हुआ पटका दरवाजे की कुंडी में आकर रुक गया। अपने पटके को निकालकर अपनी कमर को मजबूत फरमाते हुए फरमाया, अली अपनी कमर को मजबूती के साथ बांध लो कि मौत बहुत मुकाबिल है। हाय मेरा मौला, एक सवाल का जवाब आपके देते हुए चलूं, लोग पूछते हैं कि आखिर मौला अकेले नमाज के लिए गए थे, तो क्या जन्नत के जवानों के सरदार साथ में नहीं जाते थे? अल्लाह याज़ बिल्ला मिन ज़ालिक, कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है कि मौला जमात पढ़ाते हो, मस्जिद के साथ लगा हुआ घर हो, और जन्नत के जवानों के सरदार मस्जिद में ना जा? हर रोज हर नमाज में बाबा के साथ जाते थे। 19 रमजान को इमाम ने फरमाया, ए मेरे बेटो, तुम्हें मेरे हक की कसम है, आज नमाज अपने घर में पढ़ो। लोग अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड लेके चलते हैं, मौला ने बेटों को भी रोक दिया और इतनी बड़ी कसम दे के रोका, क्या मुमकिन नहीं था कि शहजादे बाप की कसम के बाद बाप के साथ चलते? मजबूर हो गए। इमाम अकेले मस्जिद में पहुंचे हैं, मस्जिद कूफा चिरागों की रोशनी कम होती जा रही है, और कुछ लोग मस्जिद में आकर लेट गए आराम कर रहे हैं। इमाम ने मेहराब मस्जिद पे जाकर अजान कही है, और इमाम की आवाज जब गूंजी है कूफे में तो आखिरी अजान थी, सुन लो ए मोमिनो, ए कूफे का रहने वालों सुन लो, ये आखिरी अजान है मेरे मौला की, उसके बाद कभी अली की आवाज अजान की शक्ल में ना सुन पाओगे, मैं कहूंगा ये अजान कूफे में थी, एक अजान करबला में अली अकबर की थी, ये भी अली थे वो भी अली था, अरे इसकी इनकी भी आखिरी अजान है, अकबर की भी आखिरी अजान थी। रोने वालों, इमाम ने अजान देने के बाद इमाम ने मस्जिद में सोए हुए अफराद को जगाना शुरू किया।
इब्ने मुलजिम, अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम उल्टा सो रहा है, इमाम ने उसको जगाया और जगाकर बताया कि मेरे मौला को यह भी पसंद नहीं है कि इमाम का कातिल होकर कोई उल्टा सो जाए, उसको भी इमाम जगाकर बताना चाहते हैं कि सोने के आदाब क्या हैं। जगाकर बताया ऐसे मत सोया करो, ये शयातीन का सोना है, या दाहनी करवट से सो कि ये हुक्मा का सोना है, अंबिया का सोने का अंदाज है, या पुश्त के बल सोया करो। मासूम बयान कर रहे थे, इब्ने मुलजिम अपनी तलवार को अपनी अबा के दामन में छुपाए हुए रोने वालों, इधर मेरा मौला मस्जिद की मेहराब की तरफ चला और उधर नमाज फज्र की पहली रकत का दूसरा सजदा था। एक मर्तबा सुकून मस्जिद के पीछे इब्ने मुलजिम ने छुपकर ऐसा वार किया कि जहां पहले जख्म मौजूद था, अमर इब्ने अब्दुवत की तलवार का उसी मकाम पर जरबत लगी है। इधर जरबत लगी, इमाम की जुबान गोया हुई, सर से खून बहने लगा। इधर जिब्राइल अमीन मस्जिद कूफा के सहन में बुलंद हुए, वल्लाह तहद्दमत अरकानुल हुदा, वल्लाह इन्फसमत उरवतुल वुस्ता, अरे हाय शहीद हो गया, हिदायत के अरकान टूट गए। रोने वालों की आवाज जनाब ज़ैनब कुबरा ने सुनी है, अपने भाइयों को रवाना किया, अरे जल्दी से जाइए, मुनादी निदा दे रहा है। मैं कहूंगा बीवियों आज निदा आई है, भाई घर में थे तो भेज दिया, कल करबला का मैदान होगा। मुनादी फिर कहेगा अलाकद कुतिल हुसैन बिकरबला, अलाकद जुबिल हुसैन बिकरबला। बीवियों क्या करोगी, आज तो रवाना किया, शहजादे मस्जिद में आए, बाबा के सर को खून में गलता देखा, नमाज को मुकम्मल कराया, अपने बाबा के सर पर रुमाल बांधा है, इधर ताखीर हो गई, उधर घर से पैगाम आया, वो फिजा रोती हुई इधर मस्जिद पर आई है। शहजादो ज़ैनब कहती है, अगर बाबा को जल्दी घर में ना लाओगे तो फिर ज़ैनब को भी मस्जिद में आना पड़ेगा। अरे अभी ना निकलना, अभी करबला नहीं है। इमाम को उठाया गया, हाय मेरा मौला मस्जिद की चटाई है, एक गली में मुबारक पर उठाया गया, लेकर चले रोते हुए साथ चले। जैसे ही दरवाजे के करीब है, इमाम ने फरमाया बेटा हसन, अब मेरे दोस्तों से कहो वापिस चले जाए। कब बाबा क्यों भेजना चाहते, कब मैं नहीं चाहता मेरी बेटियों के रोने की आवाज मेरे दोस्तों के कानों में चली जाए। मौला शहरे कूफा अगर आज आवाज जाएगी ज़ैनब पर्दे में है, अरे कल वो बाजारे कूफा, आए ज़ैनब पे पर्दा, हाथ पसे गर्दन बदे होंगे, अरे अहले कूफा ज़ैनब की है। الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب پروردگار واسطہ واسطہ محمد و آل محمد کے تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ مولا کے سر شگافتہ کا واسطہ میرا مولا گھر میں، ہائے بیویوں پر قیامت کا وقت ہے، خدا کسی بیٹی کو باپ کا سر شگافتہ نہ دکھائے۔ پروردگارا اس سکینہ کا واسطہ جس نے باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، زینب کی یتیمی کا واسطہ پروردگار، تمام مانگنے والوں کی دعائیں قبول فرما۔ پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے، اے پروردگار تمام تر مانگنے والوں کی مراد ہے، اے پروردگار کوئی مراد نہیں مانگتے، آج ایک مراد مانگتے ہیں مولا کربلا، اے کربلا کی حفاظت فرما، اے سامرہ کی حفاظت فرما، اے کاظمین کی حفاظت فرما، نجف اشرف کی حفاظت فرما۔ پروردگار تمام دہشت گردی کو نیست و نابود فرما، امام
फरमा, हम सबको ईमान के खिदमत गुजारों में शामिल फरमा। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين.